गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम खेल रहे हैं कहाँ से रिलेटेड टू। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर बालकनी में ऐसे ही खड़ा था, मौसम देख रहा था। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरी कार कलेक्शन। पहले हमारे पास यहाँ पे आती है हमारी तीन कार। पहली कार जैसे कि देख सकते हैं निसान जीटीआर है, सेकंड कार शेवरलेट कमेरो और थर्ड है पोर्शे। तो चलिए पहले इन कार का इंटीरियर देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कार का इंटीरियर कितना सुपर्ब है, एकदम कलर से मैच कर रहा है। देख सकते हैं सीट ग्रीन और ब्लैक कलर की है और इस कार के गियर्स ऑटोमेटिक है। तब चलते हैं शेवरलेट कमेरो के इंटीरियर पे। ये आ गए हम शेवरलेट कमेरो पे। तब देख सकते हैं इसकी स्टेयरिंग कितनी छोटी है और इसका भी इंटीरियर बहुत अच्छा है। यहाँ पे नीचे एसी के विंग्स हैं और मेरे को इसका रेडियो बहुत अच्छा लगता है, स्क्रीन बहुत अच्छी लगती है इसकी। बाकी आप देख सकते हैं क्या अच्छा सा इंटीरियर है इस कार का। और आखिरी कार आती है हमारे पास निसान जीटीआर, उसका तो इंटीरियर बहुत सुपर्ब है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कार का इंटीरियर कितना अच्छा है, बहुत कलर से पूरा मैच कर रहा है एकदम। और ये भी कार ऑटोमेटिक है, मेरे को इसकी भी स्क्रीन बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आपको इस कार के टायर्स दिखाता हूँ कितने अच्छे कलर कॉम्बिनेशन में है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। चलते हैं अब हमारे दूसरे गैराज की तरफ, इस कार से ही चलते हैं। बाकी कार में बहुत कम पेट्रोल है, उसमें भी कम पेट्रोल है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं बाहर, राइट लेते हैं। अब यहाँ से भी सीधा करते हैं, मेरे वो घर का गैराज बहुत ज़्यादा नहीं था। हमारे दूसरे गैराज की तरफ पहुंच गए हैं, लेफ्ट लेंगे और ये आ गया हमारा दूसरा गैराज। ये गैराज को भी खोलेंगे, कार से उतरेंगे और ये गैराज भी थोड़ा सा महंगा और थोड़ा सा सस्ता है। पहले आती है हमारे पास लंबोर्गिनी और देखते हैं आपको कितनी अच्छी लग रही है, कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। इसकी इंटीरियर की बात करें तो इसके इंटीरियर में दो स्क्रीन है, एसयूवी कार है और आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर भी कितना अच्छा है। स्टेयरिंग एकदम सही साइज की है। इसकी बैक सीट दिखाते हैं, ये इसकी बैक सीट है। आप देख सकते हैं कितनी लेग स्पेस है, एकदम आराम से बैठ सकते कोई भी। नेक्स्ट आती है हमारे पास ये फोर्ड की एक पिकअप ट्रक। एक ये ट्रक का भी अच्छा इंटीरियर है, कोई इतना खास भी नहीं है। तो देख सकते हैं इसका भी अच्छा इंटीरियर है, कोई इतना अच्छा इंटीरियर तो नहीं दिख रहा है। स्क्रीन है, अच्छी स्टेयरिंग है, बाकी सब जैसा ही है। ये आती है हमारे पास एक और पिकअप ट्रक। तो आप देख सकते हैं ये पूरी ब्लैक कलर में है, इसके अंदर भी बैठते हैं। मेरे को इसकी स्टेयरिंग एकदम भी नहीं पसंद है, देख सकते हैं कितनी पतली स्टेयरिंग है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है, नीचे कैसा कारपेट बिछा हुआ है, कारपेट एकदम में नहीं पसंद। आखिरी हमारे पास आती है ये ऑडी, ऑडी में बैठते हैं जल्दी से। और आप देख सकते हैं ऑडी का भी इंटीरियर कितना अच्छा है, इसमें भी दो स्क्रीन्स हैं। इसके पे आप लाइन्स देखिए, ऐसा लग रहा है यहाँ लाइन्स पे लाइट जल रही है। और ये भी एक फाइव सीटर कार है, तो इसमें भी पाँच लोग बैठ सकते हैं। तो इसके पीछे का इंटीरियर दिखाते हैं, ये पीछे का इंटीरियर। तो ये बहुत लो हाइटेड कार है, तो इसलिए मेरे को ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है। चलिए अभी लंबोर्गिनी ओरस से चलते हैं अपने नेक्स्ट गैराज, जिसमें कोई कार बहुत ज़्यादा पसंद है। पेट्रोल हुआ तो ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा पेट्रोल है। तो मैं लंबोर्गिनी ओरस को बाहर लेता हूँ और अपनी इंसान चिट्टिया को अंदर खड़ी कर देता हूँ। तो गाइस ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए हम लोग लाइव नहीं कर रहे अभी। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव करूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस वीडियो में मैं एम करता हूं 200 लाइक्स का, तो प्लीज़ ये कंप्लीट करवा दीजिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं है ये। तो चलते हैं अपने दूसरे गैराज की तरफ। अरे मैं आपको ये तो दिखाने भूल गई, देखिए ऊपर ये कितनी अच्छी लाइट जलती है यहाँ पे। तो अगर ये गाड़ी कार बंद होगी
तो फिर ये लाइट नहीं चलेगी, और जैसे ही मैं बैठूंगा वैसे ही आप देख सकते हैं लाइट जलने लग जाएगी। तो अभी थोड़ी सी रात हो रही है इसलिए हम लोग हेडलाइट चालू कर लेते हैं, जैसे लेफ्ट लेंगे। वैसे मैं पीछे से जा सकता हूँ, ज़्यादा शॉर्टकट होगा मेरे लिए। हाँ मैं यहाँ से जाता हूँ, ये शॉर्टकट है। ओ, 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 मैंने गाड़ी ठोक दी, कोई बात नहीं वापस हम चल रहे हैं। तो इस कार डीलरशिप से मैंने दो पिकअप ट्रक्स ली थी। तो अब देख सकते हैं मैंने पहला जो अपना घर वाला गैराज दिखाया बहुत महंगा गैराज था, ये वाला इतना महंगा गैराज नहीं था जो मैंने अभी आपको दिखाया। हाँ उसमें दो महंगे थे उसके पास। यहाँ गए अपने दूसरे गैराज, तीसरे गैराज पे, खोलते हैं कार और देखते हैं इस गैराज में कौन सी कार थी। ये रही एक लैम्बोर्गिनी वालेनो है हमारे पास यहाँ पे, हम बैठते हैं। आप देख सकते हैं इस कार का भी इंटीरियर कितना अच्छा है, इसकी सीट्स आप देखें कितनी अच्छी है, उसका स्टेयरिंग भी बहुत अच्छा, और ये पूरी कार का आगे का डैशबोर्ड वो सब कार्बन फाइबर का है। और आप देख सकते हैं इसका गेट भी कार्बन फाइबर का है पूरा। नेक्स्ट है हमारे पास ये मर्सिडीज सी क्लास, तो इसमें बैठते हैं। और इसका इंटीरियर तो आप देख सकते हैं, इसका इंटीरियर भी कितना अच्छा है, ये भी फोर सीटर कार है, तो मस्त कार है। इसमें अलग अलग मोड्स भी है, मेरे को इस कार का भी इंटीरियर बहुत पसंद है। नेक्स्ट आती है हमारे पास ये जी वैगन, हमारी मर्सिडीज जी वैगन। तो आप देख सकते हैं इसका आगे के दोनों स्क्रीन कितने अच्छे हैं, ये एक ऑटोमेटिक कार है वापस। और आप देख सकते हैं इसके सीट्स मेरे को कितनी अच्छी लगते हैं, इसकी सीट्स आप देखिए बस एक बार, सीट्स कितनी अच्छी है। मेरे को ये देखने की इसमें सनरूफ है कि नहीं, हाँ देख सकते हैं इसमें सनरूफ भी है। और नेक्स्ट हमारे पास आती है ये एक अच्छी कार है बट सस्ती है, तो बट इसका इंटीरियर देखते हैं, इसका इंटीरियर इतना कोई खास नहीं, उसकी स्टेयरिंग आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, उसमें एक रेडियो है, और ये एक मैनुअल कार है। तो ये भी टू सीटर कार है बट पीछे बेबी सीट्स हैं, तो उसमें थोड़े एक जन बैठ सकता है। तो अभी यहाँ से लैम्बोर्गिनी यूरस में ही चलते हैं, क्योंकि हम हमारे एक और गैराज की तरफ चलते हैं। मैंने गाड़ी एक और बार ठोक दी। अब देख सकते हैं लैम्बोर्गिनी और उसमें कितनी पावर है, ये फुल्ली अपग्रेडेड नहीं है वो, तो भी कितनी तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं, तो मैं फुल अपग्रेड करवा दूँगा। अभी मैंने इतनी सारी गाड़ियों से मेरे पास पैसे नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अपना ये गेम हार कर ही ताकि फिर मेरे पास अनलिमिटेड पैसा आ जाए। आपको तो क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर दूसरे गैराज एक और गैराज की तरह हमारे कार पर खड़ी कर देते हैं उसको। तो ये है हमारा चौथा गैराज, आपको बंद करके ये गैराज हमने खोला। और ये रात भी इस गेम में इतनी जल्दी होती है ना, पता ही नहीं चलता। ये एकदम सस्ता गैराज है, इसमें एक सिविक है हमारी, देख सकते हैं। इस कार का भी इंटीरियर इतना कोई खास नहीं है पर ठीक है, देख सकते हैं। इसकी स्क्रीन और इसके स्पीडोमीटर की ब्राइटनेस इतनी अच्छी कि कार में और कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कि पोलो जैसी कोई कार है, इस कार का नाम शायद पोलो ही है। ये भी एक तरह से टू सीटर है बट इसमें भी बेबी सीट्स हैं, तब देख सकते हैं इसमें तो एकदम भी ब्राइटनेस नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा लाइट चाहिए होगी बट इसमें लाइट्स ही नहीं है। तो ये था हमारा एक सस्ता सा गैराज। अब हम हमारे एक और गैराज की ओर चलते हैं, वो होगा हमारा पांचवा गैराज। टोटल में इस गेम में हमारे छः गैराज है, दो घर वाले गैराज और दो और चार ऐसे गैराज। तो कोई ये नहीं पता, जैसे अगर आप दूसरे लोगों के वीडियोज़ देखते होंगे तो उन लोग का गेम ये वाला अपग्रेड हो गया, बट मेरा पता नहीं क्यों अपडेट ही नहीं हो रहा है ये गेम, सॉरी अपग्रेड बोल रहा बट अपडेट ही नहीं हो रहा है मेरा ये वाला गेम, पता नहीं क्यों। मैं हर दिन ट्राई करता हूँ अपडेट होने की बट नहीं हो रहा है। तो आज हमारा पहला दिन है, हम कार सिम्युलेटर 2 खेल रहे हैं, बाकी हम अलग अलग गेम सारे गेम्स ट्राई करेंगे। हम लोग फ्री फायर ट्राई करेंगे, हम लोग एक्सट्रीम कार ड्राइविंग ट्राई करेंगे, हम लोग सारे तरह के गेम्स ट्राई करेंगे जो आप गेम बोलेंगे।
तो अभी चलते हैं। ऐसे ही और एक दो गेम्स भी खरीद, मतलब ऐसे एक और एक दो गेम्स और देखेंगे, अगर ऐसा कोई मिलता है तो वो भी खेलेंगे। बहुत गया हमारे कार गैरेज की तरफ, हमारी कार यहाँ पे खड़ी कर देते हैं साइड में लंबोगिनी और उस ठीक है ठीक है। अभी इस कार से उतरते हैं और ये आ गया हमारा एक और गैराज, ये सस्ता और महंगा देना है, ठीक है। ये रात की ओपन करने के बंद हो गया, ये गैराज उस गैराज को बंद हो। पहले हमारे पास आती है कि रेनॉल्ट की कार, ये मेरी पहली कार थी और आप इसकी स्क्रीन देखिए कितनी बड़ी स्क्रीन है और क्या ब्राइटनेस है कार की अंदर से। और नेक्स्ट हमारे पास आती है ये फोर्ड मस्टैंग जीटी, तो उसमें बैठिए बैठते हैं और देखिए इसमें भी कार्बन फाइबर और अच्छे से एकदम फर वाली लेदर से बनी हुई है कार का इंटीरियर, तो आप देख सकते हैं। तो ये थी मेरी एक और फेवरेट कार और ये थी मेरी दूसरी या तीसरी कार जो मैंने खरीदी थी। अब बैठते हैं अपने बॉम्बे एवरोस में और अपने एक आखिरी गैराज, घर वाले गैराज में चलते हैं, आखिरी है वो। लोग क्या सोचते हैं मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप बोलते हैं BMW खरीदनी चाहिए तो मैं मिशन करके इतने पैसे कर लूँगा कि हम लोग BMW खरीद पाएंगे। देखो आखिरी गैराज वो सस्ता गैराज है बट उसमें मैंने एक अपनी कार इतनी मॉडिफाई कर ली है कि वो अब इतनी तेज़ चलती है कि वो 200 तक पहुँच सकती है। वो आपको दिख रही होगी एकदम सस्ती सी कार, और वो मेरी सेकेंड कार थी। उस कार का नाम इस गेम में शार्क है। आप लोग बताइएगा उस कार का नाम असली में क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास लैंड क्रूजर है और एक शार्क है। लेफ्ट पे हमारी एक लैंड क्रूजर खड़ी है, उसको मैंने पूरा क्रोम में करवा दिया है और उसके विंडोज मैंने ब्लू करवा दिए हैं। अब इस कार में बैठे हैं और ये देखिए इसकी इसकी स्क्रीन कितनी गंदी है, इसमें कुछ डिस्प्ले नहीं होता स्क्रीन में, इसलिए मेरे को नहीं पसंद। और इसका कारपेट देखिए कितना सस्ता वाला लगा के रखा है। नेक्स्ट हमारे पास आती है लास्ट कार जिसका नाम है शार। अब इसमें बैठते हैं और ये कार आपको सस्ती लग रही होगी बट ये बहुत अच्छी कार है। ये देखिए इसमें भी एक रेडियो है, तो ये इस कार को मैंने इतना मॉडिफाई कर दिया, इसमें लैम्बो डोर्स लगवा दिए हैं। तो आज की पहली वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए।